अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द पेल्विस। द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द पेल्विस इज़ डिवाइडेड मेनली इनटू द ट्रू पेल्विस आर्टीरियल सप्लाई एंड द फॉल्स पेल्विस आर्टीरियल सप्लाई। फॉल्स पेल्विस हम जानते हैं कि पेल्विक प्रीम या पेल्विक इनलेट से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम फॉल्स पेल्विस कहते हैं, जबकि पेल्विक प्रीम या पेल्विक इनलेट से जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम ट्रू पेल्विस कहते हैं। तो जो आर्टरीज फॉल्स पेल्विस के कंटेंट्स को सप्लाई कर रही है वो पेल्विक प्रीम पे जाके एंड हो जाएगी या वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी। उससे नीचे वो मजीद पेल्विक जो पेल्विस पेल्विक कैविटी के कंटेंट्स हैं उन्हें सप्लाई नहीं करेगी, जबकि ट्रू पेल्विस की जो आर्टरीज हैं वो पेल्विक कैविटी के कंटेंट्स को मेनली सप्लाई करेंगी और फॉल्स पेल्विस के कंटेंट्स को सप्लाई नहीं करेंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फॉल्स पेल्विस की आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है। फॉल्स पेल्विस को मेनली दो आर्टरी सप्लाई करती हैं, एक कॉमन आइलियक आर्टरी और दूसरी एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी। कॉमन आइलियक आर्टरी क्या होती है कि ये सैक्रो आइलियक जॉइंट पे जाके ये पेल्विक ब्रिम से ऊपर की आर्टीरियल सप्लाई की बात हो रही है। कॉमन आइलियक आर्टरी क्या होती है कि सैक्रो आइलियक जॉइंट पे जाके, इसको अगर हम देखें तो सैक्रो आइलियक जॉइंट पे जाके ये डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल और इंटरनल आइलियक आर्टरीज में, ठीक है। तो ये हमारे पास सैक्रो आइलियक जॉइंट पे जाके एंड हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखें एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी को, तो एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी जो होती है ये पेल्विक ब्रिम तक पिर जाती है और पेल्विक ब्रिम को तक कंटेंट्स को सप्लाई करने के बाद वहाँ पे डिवाइड हो जाती है, नहीं वहाँ पे फर्दर ब्रांचेस देती है, दो ब्रांचेस देती है, एक इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक और दूसरी की अगर हम बात करें, और दूसरी हमारे पास होती है डीप सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉल्स पेल्विस की आर्टीरियल सप्लाई होगी। कौन सी? एक कॉमन आइलियक आर्टरी होती है, एक एक्सटर्नल आई। कौन सी दो आर्टरीज होती हैं? एक कॉमन आइलियक आर्टरी होती है, एक एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी होती है। कॉमन आइलियक आर्टरी सैक्रो आइलियक जॉइंट पे जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी में और इंटरनल आइलियक आर्टरी में, जबकि एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी क्या होती है कि वो पेल्विक प्रिम तक सप्लाई करती है, उसके बाद दो डिविजन्स देती है, एक इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और दूसरी डीप सर्कमफ्लेक्स आइलियक आर्टरी, ठीक है। ये हमारे पास फॉल्स पेल्विस की आर्टीरियल सप्लाई हो गई। अब अगर हम बात करें ट्रू पेल्विस की आर्टीरियल सप्लाई की, तो ट्रू पेल्विस की आर्टीरियल सप्लाई में हमारे पास मेन जो होती हैं चार आर्टरीज होती हैं, एक इंटरनल आइलियक आर्टरी, एक ओवेरियन आर्टरी, मीडियन सैक्रल आर्टरी एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। इंटरनल आइलियक आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉमन आइलियक आर्टरी, ठीक है। जब सैक्रो आइलियक जॉइंट पे कॉमन आइलियक का जब डिवाइड हुआ था तो उसने दो ब्रांचेस दी थी सैक्रो आइलियक जॉइंट पे, एक एक्सटर्नल आइलियक और एक इंटरनल आइलियक। एक्सटर्नल आइलियक फॉल्स पेल्विस की आर्टरी है जबकि इंटरनल आइलियक ट्रू पेल्विस की आर्टरी है, ठीक है। इसके बाद मज़ीद जो इंटरनल आइलियक आर्टरी होती है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स देती हैं। इंटरनल आइलियक जो होती है ये मज़ीद ग्रेटर शियाटिक फोरामेना के पास जब पहुंच जाती है तो मज़ीद दो डिविजन्स देती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर आर्टरीज जो होती हैं उनको याद करने के लिए अगर हम ये निमोनिक देखें तो ईजी होगा, पिल्स। पिल्स में पी जो है वो पोस्टीरियर के लिए आ जाएगा, आई जो है इलियोलंबर आर्टरी, एल फॉर लेटरल सैक्रल आर्टरी, एस फॉर सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर डिविजन्स हैं इंटरनल आइलियक आर्टरी के, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल आइलियक की एंटीरियर डिविजन्स की, तो इसके एंटीरियर डिविजन्स को याद करने के लिए ये निमोनिक होगा, आई लव गोइंग प्लेसेस
यूजिंग माई वेरी ओन अननेम्ड वेहिकल। इसमें हमारे पास जो आई है ये इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी के लिए हो जाएगा, एल फॉर लेटरल सैक्रल आर्टरी, जी फॉर अगर इसमें ग्लूटियल को देखें तो सुपीरियर ग्लूटियल जो हो गई थी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर डिवीजन में आ गई थी, तो दूसरी हमारे पास कौन सी बचती है, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इसकी एंटीरियर डिवीजन में आ जाएगी। पी फॉर प्यूडेंडल आर्टरी, इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, एंड यू फॉर यूटेराइन। अच्छा, अगर फीमेल में होगा तो उसमें हम यूटेराइन आर्टरी कहेंगे, जबकि वही जो यूटेराइन आर्टरी होती है जब मेल्स की हम बात करते हैं तो आर्टरी टू वास डिफरेंस हम कहते हैं उसे, ठीक है। ये एक याद मेन पॉइंट है कि यूटेराइन आर्टरी जो होती है फीमेल्स में तो यूटेरस को कर देती है सप्लाई, उसके बाद मेल्स में तो यूटेरस होता नहीं है तो वो वहाँ पर वास डिफरेंस को सप्लाई करती है, उधर हम कहेंगे आर्टरी टू वास डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एम हमारे पास किस चीज़ के लिए होगा, मिडल रेक्टर के लिए, वी फॉर वेजाइनल, ओ फॉर ऑब्चुरेटर आर्टरी, एंड यू फॉर अम्बिलिकल आर्टरी। ये हमारे पास हैं पोस्टीरियर डिविजन्स के आर्टरीज, एंटीरियर डिविजन के आर्टरीज। पोस्टीरियर के लिए हमने कहा पिल्स और ये हमारे पास ये आर्टरीज आ गई हैं, जबकि अगर हम बात करें एंटीरियर डिवीजन की तो उसके लिए हम ये निमोनिक यूज़ करेंगे, आई लव गोइंग प्लेसेस यूजिंग माय वेरी ओन अननेम्ड व्हीकल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो हो गई इंटरनल आईली की फर्दर डिविजन्स, फिर ये डिफरेंट जो वो होती हैं उनको सप्लाई करती हैं, रीजन्स को सप्लाई करती हैं। अब अगर हम फिर मेन आर्टरीज की तरफ आ जाएं ट्रू पेल्विस की, तो उसके बाद हमारे पास होती है ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी हमारे पास एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एयोटा, मतलब L1 के रीजन से ये हमारे पास L1 के रीजन से ये हमारे पास आती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है कि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी जो होती है उसमें ट्रेवल करती है, किसमें, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी में ये ट्रेवल करती है। और उसके बाद ये फिर जो ब्रॉड लिगामेंट होता है उसकी इन्फीरियर जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें एंटर करती है, उसके बाद ये ऊपर जाके यूटेरस के यूटेराइन आर्टरी के साथ क्या करती है, एनास्टोमोस कर लेती है, ठीक है। तो ओवेरियन आर्टरी हमारे पास L1 से प्रोड्यूस हो रही है, सस्पेंसरी लिगामेंट में एंटर होती है, उसके बाद ब्रॉड लिगामेंट के जो इन्फीरियर पार्ट होता है उसमें एंटर होती है, और उसके बाद मीजो ओवेरियम के थ्रू ओवरी को सप्लाई कर देती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मीडियन सैक्रल आर्टरी। मीडियन सैक्रल आर्टरी की अगर हम देखें तो मीडियन सैक्रल आर्टरी जो होती है ये हमारे पास डायरेक्टली, ये स्मॉल आर्टरी होती है हमारे पास, और जहाँ पे एयोटा बाइफर्केट कर रहा होता है ये वहाँ से मिड में से वहाँ से एराइज हो रही होती है मीडियन सैक्रल आर्टरी, ठीक है। मिडिल सैक्रल आर्टरी जो होती है ये उसमें सैक्रम और कोकेक्स के ऊपर जो होती है उनके इंटीरियर सरफेस पे जाती है और वहाँ पे एंड हो जाती है, उसके बाद इसके फर्दर पाथवे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिडिल सैक्रल आर्टरीज कहाँ होती है कि बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा जहाँ पे हो रही होती है L4 रीजन पे, तो वहाँ पे ये मिडल सैक्रल आर्टरी वहाँ से एराइज होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सुपीरियर रेक्टल आर्टरी हमारे पास क्या होती है कि अगर इसको हम देखें तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो होती है ये हमारे पास इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। और ये क्या करती है कि सप्लाई करती है रेक्टम प्लस अपर हाफ ऑफ
एनल कैनाल। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या कहते हैं पेल्विस की आर्टेरियल सप्लाई हो गई है मेन। ठीक है, तो इसको अगर एक बार हम फिर से देखें तो फाल्स पेल्विस की आर्टेरियल सप्लाई हमारे पास क्या होगी कि फाल्स पेल्विस की जो आर्टेरियल सप्लाई होगी पेल्विक ब्रिम से ऊपर ऊपर होगी। तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी आती है, कॉमन आइलियक आर्टरी एंड द एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी। कॉमन आइलियक आर्टरी जो होती है वो सैक्रो आइलियक जॉइंट पे जाके डिवाइड हो जाती है दो डिविजन्स में, एक एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी और दूसरी इंटरनल आइलियक आर्टरी। ठीक है, और एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी जो होती है पेल्विक ब्रिम तक सप्लाई करती है, उसके बाद दो डिविजन्स देती है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड डीप सबकॉम्प्लेक्स आर्टरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ट्रू पेल्विस की तो ट्रू पेल्विस की आर्टेरियल सप्लाई जो होगी पेल्विक कैविटी के जो अंदर कंटेंट्स होंगे उनको सप्लाई करेगी। इसमें हमारे पास फोर मेन आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, इंटरनल आइलियक आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉमन आइलियक आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, मिडिल सैक्रल आर्टरी एंड द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। कॉमन आइलियक इंटरनल आइलियक आर्टरी की जो होती हैं एंड ग्रेटर शियाटिक फोरामेन पे जाके ये इंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स देती हैं। पोस्टीरियर डिविजन्स को अगर हम याद करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास निमोनिक होगा पिल्स, आई फॉर इल्यूलम्बर, एल फॉर लैटरल सैक्रल एंड एस फॉर सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इंटीरियर को अगर हम याद करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास क्या निमोनिक होगा, आई लव गोइंग प्लेसेस यूजिंग माई वेरी ओन अननेम्ड व्हीकल। तो उसके लिए ये हमारे पास इसके हो जाएंगे जो जिसके लिए स्टैंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ओवेरियन आर्टरी को तो ओवेरियन आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा एट द L1 पॉइंट, इट देन पासेस थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट एंड एंटर्स द इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड देन इट एंटर्स द मीजो ओवेरियम एंड देन सप्लाइज द ओवरी, फिर मीजोवेरियम के बाद वो ओवरी में एंटर हो जाती है। मिडिल सैक्रल आर्टरी हमारे पास क्या होती है कि जहाँ पे एओर्टा बाइफरकेट करती है वहाँ से एक स्मॉल आर्टरी राइज होती है L4 पॉइंट पे, उसे हम क्या कहते हैं मिडिल सैक्रल आर्टरी, एओर्टा L4 पॉइंट पे डिवाइड होता है। उसके बाद है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इट सप्लाइज द रेक्टम एंड अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल। तो ये है हमारे पास पेल्विस की आर्टेरियल सप्लाई।